अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मतलअिल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की आज 21 तारीख़ है, यानी आखिरी आशरा शुरू हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है कि जिसकी आमद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माह पहले से एक दुआ मांगते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना। ऐ अल्लाह, रजब और शाबान में बरकत नसीब फरमा। बल्लिगना रमज़ाना, और हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुँचा। वो रमज़ान जो एक किस्म का नेकियों का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआओं का, अल्लाह ताला से गुनाहों की मुआफ़ी का महीना है। ये यूँ समझ लें कि बिल्कुल अब आहिस्ता आहिस्ता ये महीना अपने तकमील को पहुँच रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही करम और फ़ज़ल है इस उम्मत पर कि इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन इनामात से नवाजा है, उन इनामात से पहली उम्मतें महरूम रहीं। और ये ख़ुसूसियत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ख़ातमुन्नबीयीन बना कर भेजा। आप अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं। यही वजह है कि इस उम्मत की फजीलत भी यही है कि आपने ख़ुद फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। तो इस आखिरी उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसी इनामात इकरामात अता फरमाए। उन्हीं में से एक अमल या यूँ कहें एक इनाम वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान की शक्ल में दिया। फिर रमज़ान के आखिरी आशरा दिया और फिर आखिरी आशरे की ताक़रात। सूरतुल क़द्र ये आखिरी पारे में है। इसकी शान नुज़ूल में हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़श्ता उम्मत बनी इसराइल के एक मुजाहिद का ज़िक्र फरमाया जो 1000 महीने तक मुसलसल जिहाद में मशगूल रहा। कभी उसने हथियार नहीं उतारे। जब मुसलमानों ने इस बात को सुना तो बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि 1000 साल तक उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। अब तो हम उम्रें भी 60 से 80 के दरमियान है, तो कहाँ 1000 साल की इबादत और कहाँ 60-70 साल की इबादतें। क्योंकि पहली उम्मतों की उम्रें बहुत लंबी होती थी। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 14 में फरमाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ सनतिन इल्ला खमसीन आमा, 950 साल उम्र बेसत की, 950 साल। तो पहली उम्मतों की उम्रें बहुत लंबी थी, तो ज़ाहिर है सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह तआला अलैहि मजमाइन जिनके सामने दुनिया की कोई हैसियत न थी बल्कि आखिरत उनको ऐसी हर वक्त मद्देनज़र थी कि वो इसी बात में हमेशा मगन रहे कि किस तरह हम आखिरत के अंदर अपनी ज़िंदगी को बना लें और नेकियों में इजाफ़ा कर सकें, और वो खूब इस मामले के अंदर एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करते थे कि हमारी नेकियां ज़्यादा हो जाएं। तो जब उन्होंने बनी इसराइल के उस बंदे का अहवाल सुना तो दिल में ये दाइया पैदा हुआ कि अगर उम्र ज़्यादा है तो नेकियां भी ज़्यादा होंगी। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत मुबारक को नाजिल फरमाया। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक आबिद का ज़िक्र किया कि सारी रात इबादत में मशगूल रहा, सुबह जिहाद में निकल जाता और 1000 महीने तक उसने मुसलसल इसी में रहा, इबादत में गुजारे। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत को नाज़िल फरमाया। लैलतुल क़द्र, क़द्र के माना होते हैं अज़मत और शर्फ़ के, और इसको लैलतुल क़द्र कहने की वजह भी यही है कि इस रात की अज़मत और शराफत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे लैलतुल क़द्र फरमाया। यानी इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर गुनाह कर कर के अपनी उम्र को इसने नाकदरा कर दिया, बेकदर कीमत कर दिया, तो एक कदर और शर्फ़ और इज़्ज़त और आज़मत वाली रात दे दी कि इस रात में इबादत करके अपनी उस खोई हुई क़दर को, अपनी खोई हुई आज़मत को जो इसने गुनाहों से स्याह कर दिया था, उसको क़दर के अंदर बदल दे। बाज़ उलमा कहते हैं कि लैलतुल क़द्र, क़द्र का माना, क़द्र ये तकदीर से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकदीर के फ़ैसले इस रात में फरमाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। कुरान मजीद को हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। अब इसमें बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौहे महफूज से पूरा कुरान मजीद नाजिल फरमाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 23 साल के अरसे तक थोड़ा थोड़ा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कुरान मजीद को उतारते रहे। मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि इस माह मुबारक में, जैसे सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े जो नाजिल हुए वो रमज़ान की 3 तारीख़ थी, तौरात नाजिल हुई रमज़ान की 6 तारीख़ थी, और इंजील नाजिल हुई रमज़ान की 13वीं तारीख़ थी, और ज़बूर जब नाजिल हुई तो रमज़ान की 18वीं रात थी, और कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ानुल मुबारक की 24 तारीख़ को नाजिल हुआ इस रिवायत में। तो इस लिहाज से भी इसकी कदर और मंजिलत बढ़ जाती है। इसलिए हदीस में आता है ना कि आपने फरमाया कि दो चीज़ें बंदे की सिफारिश करेंगी और इनकी सिफारिश कबूल की जाएगी, एक रोज़ा और एक कुरान पाक की तिलावत। रोज़ा क्या कहेगा, ऐ अल्लाह मैंने इसको दिन में खाने से रोका, पीने से रोका, जायज़ ख्वाहिशात से रोका, और कुरान मजीद कहेगा कि या अल्लाह मैंने इसको रात को रात की राहत, रात के आराम, रात के सोने से रोका। तरावीह के अंदर, तहज्जुद के अंदर इसने कुरान मजीद को पढ़ा है, लिहाजा मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। तो अल्लाह ताला इन दोनों की सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। तो लिहाजा कुरान मजीद का नुज़ूल भी इस रात में हुआ। आगे ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि ये लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र बेहतर है एक महीने से, 1000 महीनों से। तो अगर यहाँ महीनों के आप साल बनाएंगे 1000 महीनों के, तो ये 87 साल 4 महीने बनते हैं। और यहाँ एक लफ्ज़ बोला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इस्तेमाल फरमाया कुरान मजीद में, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर। क्या उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा थीं, आपको परेशानी इस वजह से हो रही है, लेकिन ये एक रात ऐसी है कि जो 1000 महीने से बेहतर है। अब यहाँ लफ्ज़ खैर है, बड़ी प्यारी बात लिखी है। एक साहब ने फरमाने लगे कि लफ्ज़ खैर यानी बेहतर है, ये नहीं है कि जो खैर का लफ्ज़ है ये वहाँ बोला जाए जहाँ थोड़ा सा फ़र्क हो, 19-20 का जिसे हम कहते हैं, नहीं, बल्कि फरमाया खैर का लफ्ज़ वहाँ बोला जाता है जहाँ ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो, उन दो चीज़ों के दरमियान लफ्ज़ खैर को लाया जाता है जहाँ ज़मीन और आसमान, आसमान ज़मीन से खैर है, आसमान ज़मीन से खैर है। तो क्या है, लैलतुल क़द्र खैर है, किससे, 1000 महीने से। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तायीन नहीं बयान फरमाई, बल्कि बाद मुफस्सिरीन ने तो इतने अकवाल नकल किए, 40 अकवाल नकल कर दिए कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका पाबंद किया है कि तुम रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है। अब किसी ने इसको एक रात के अंदर बंद नहीं किया। हाँ, गुमान किया जा सकता है, गुमान किया जा सकता है, हाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा सकता है, हो सकता है ये रात हो, लेकिन ये कह देना कि किसी एक रात को ख़ास कर लिया जाए और बाकी जो 4 रातें हैं उनके अंदर इबादत सिर्फ़ इसलिए ना की जाए कि जी लैलतुल क़द्र तो गुज़र चुकी, ये हरगिज़ ऐसा नहीं। इसकी तायीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई ही नहीं है, हम कौन होते हैं कि इसकी तायीन कर दें। बल्कि अगर इस रिवायत को पढ़ा जाए कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सैयदना उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियुखबिरना बिलैलतिल क़द्र, हमें लैलतुल क़द्र के बारे में कि ये किस रात को होती है उसकी तायीन के सिलसिले में तशरीफ़ लाए, ये बतलाने के लिए। फतलाहा रजुलानी मिनल मुस्लिमीना, तो आपने उस रात के अंदर 2 मुसलमानों को आपस में लड़ाई करते हुए देखा। फ़क़ाला, और आपने फरमाया, खरजतु लिउख़बिरकुम बिलैलतिल क़द्र, मैं तो आया था कि ताकि तुम्हें मैं लैलतुल क़द्र की तायीन के बारे में बतला दूँ। लेकिन फतलाहा फ़ुलान व फ़ुलान, फ़लाँ फ़लाँ आदमी आपस में झगड़ा कर रहे थे। फ़रुफ़िअत, इस वजह से इसकी तयीन अल्लाह ने उठा ली तयीन इसकी किसकी वजह से? झगड़े की वजह से। वासा यकून खैरलकुम फलतमिसूहा फित्तासिअति वस्साबिअति वलखामिसति। तो इसमें लैलतुल क़द्र की तयीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से किसी रात के अंदर रुकने का जो सबब करार दिया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो दिया आपस के लड़ाई झगड़े, चाहे वो घर के हों, चाहे वो दोस्त अहबाब के हों, चाहे वो ऑफिस के हों, चाहे वो जिस जगह के हों। झगड़ा बुरी चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के अतराफ़ में घर लेकर देने का वादा करता हूँ उस शख्स से कि जो झगड़े को छोड़ दे, अगरचे वो हक़ पर हो। मन मन तरकल मेरा अंत मुहिक़, हक़ पे होते हुए झगड़े को छोड़ दे। आपने फरमाया जन्नत के अतराफ़ में मैं घर लेकर देने की वादा करता हूँ, ज़मानत देता हूँ। और यहाँ तक फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपस के लड़ाई झगड़े ये दीन को मूंड देते हैं, जैसे कि तेज़ आला लोहे का वो बालों की सफाई कर देता है, यानी कि सर के बाल हों, उसको तेज़ धार आले से, जैसे ब्लेड वगैरह से बालों पर लगाया जाए तो बालों को बिल्कुल साफ़ कर देता है। बिल्कुल इसी तरह ये आपस के लड़ाई झगड़े ये दीन को मूंडने वाले हैं। लंबी लंबी तस्बीहात करना, नवाफिल पढ़ना, बहुत देर तक कुरान पाक की तिलावतें करना, लंबी लंबी दुआएं मांगना, इस्तिग़फ़ार करना, हर वक्त तस्बीह हाथ में रखे रखना, ये आसान है। किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, अपने आप को छोटा बना लेना, लड़ाई झगड़े से बचना, ये आज के दौर में नापैद हो चुका है। छोटी छोटी बातों पर इतने तवील झगड़े, इतने लंबे झगड़े, भाई भाई से नहीं मिल रहा, बहन बहन से नहीं, सगे खूनी के रिश्ते कहाँ तक चले गए। हम तो पता नहीं इबादत किसको समझने लग गए कि ये रात आ गई है, इस रात के अंदर सारी रात जाग लो, सारी रात ये कर लो। अब तो और मुसीबत आ चुकी है, ये हमारा सोशल मीडिया न जाने किस किस चीज़ों को इबादत समझ रहे हैं, और इस रात के अंदर महरूमी का सबब वो, जैसे मैंने पिछले बार अर्ज़ किया था कि किसी भी चीज़ से फ़ायदा तब हासिल होगा जब उसके नुकसानात से बचा जाए। एसी की ठंडक तब मिलेगी जब बाहर की गर्म हवाएं उस तक ना पहुँचे। गर्म हवाएं भी आ रही होंगी और एसी भी चल रहा होगा, एसी काम नहीं करेगा। नेकियां करते जा रहे हों, गुनाहों की खिड़कियां खुली हों, ये नेकी अपने कैसे असरात दिखलाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें यहाँ तक फरमा दिया, और ख़ुद कुरान मजीद के अंदर ला तनाज़ाउ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, तो आपस के झगड़ों से बचो। ला तनाज़ाउ, आपस में झगड़े न किया करो, कम हिम्मत हो जाओगे, हवा उखड़ जाएगी और दुश्मन के वार करना आसान हो जाएगा। दुश्मन आसानी से आ जाएगा। आपस के इख्तिलाफ़ात की वजह से बाहर का दुश्मन जरी हो जाता है कि अब अंदर के खोखले हो चुके हैं। तो भरपूर कोशिश हो इस बात की कि लड़ाई झगड़ों से मुकम्मल तौर पर गुरेज किया जाए, लड़ाई झगड़ों से मुकम्मल तौर पर बचा जाए। और दूसरी चीज़ इस रिवायत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई कि लैलतुल क़द्र की बाद उलमा ने लिखा है कि तायीन क्यों उठा ली गई कि एक चीज़ को एक चीज़ पर फोकस कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? एक तो यह है कि लड़ाई झगड़ा, दूसरा ये फरमाया कि तायीन के उठा लेने का सबब ये भी रहा कि अगर किसी से यह रात किसी भी वजह से छूट जाती, यानी कोई बंदा ड्यूटी पे था या किसी सो गया या किसी और वजह से लैलतुल क़द्र के अंदर नहीं उठ सका, तो अब ये सारी ज़िंदगी के लिए पूरे साल भर के लिए अफसरदा रहेगा और उसे ये परेशानी लगी रहेगी और इसमें वो हमेशा के लिए परेशान होता रहेगा कि मेरे से ये वाली रात जो है वो छूट गई है। तो इसलिए इसकी तायीन उठा ली गई कि चलो अगर एक रात इससे मिस हो जाती है, अगली ताक रात में उठ जाए, उससे अगली ताक रात में उठ जाए। एक ये भी था। कुछ लोग ऐसे हैं, एक वजह ये बड़ी ख़ास लिखी हमारे उलमा ने लैलतुल क़द्र की तायीन के उठाने की कि एक वजह ये भी है कि बाज़ लोगों का मिजाज गुनाहों का होता है और इस रात में गुनाह नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ़रमानी बहुत ज़्यादा लाजिम आ जाए। इस वजह से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तायीन नहीं फरमाई। इसलिए आपने फरमाया तहर्रु लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिन अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान के रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश किया जाए। और इस रात के अंदर हमारे यहाँ एक आम रवाज हो चुका है कि जी ख़ास तौर पर जो मोतकिफ़ीन हजरात होते हैं या ख़वातीन बैठती हैं तो आपस में एक दूसरे से कहते होते हैं कि जी आपको रात कुछ नज़र आया, लैलतुल क़द्र में क्या नज़र आया, क्या हुआ? हालांकि ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाम लैलतुल क़द्र इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल अलैहि, जो लैलतुल क़द्र में शब क़दर में जागा यानी अल्लाह ताला की इबादत की, नवाफिल पढ़े, दुआएं की, तौबा इस्तिग़फ़ार किया, कोई भी नेक अमल इस रात के अंदर किया, उसने लैलतुल क़द्र को पा लिया। जैसे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक दफ़ा पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं इस रात को पा लूँ, यानी अगर इस रात के अंदर मैं इबादत करूँ तो ऐ अल्लाह के रसूल इस रात में मैं क्या करूँ, कौन सा ऐसा अमल करूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इस रात के अंदर ये दुआ पढ़ा करो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ये वाली दुआ पढ़ लिया करो। तो इसलिए इस रात के अंदर जो बंदा भी उठा और उसने अल्लाह ताला की इबादत कर ली तो वो इस बात का यकीन रखे कि उसने इस रात को पा लिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इस रात के अंदर उठने की और इस रात के अंदर इबादत करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे तौफ़ीक नसीब फरमा दी। और दूसरा ये है कि इस रात के अंदर ख़ास तौर पर गुनाहों से बचा जाए, रमज़ान में ख़ास तौर पर, और अपने गुनाहों से खूब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान गुजर जाए और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांग सकें। फिर इसी तरह ताक रात के अंदर पूरी रात जागना ये भी ज़रूरी नहीं होता, तबीयत के मुवाफिक कोशिश की जाए कि जो हजरात जिनको इजाज़त है मस्जिद में जाने की, नमाज़ अदा करने की, अगर वो फ़जर की नमाज़, इशा की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ बाजमात अदा कर लेंगे तो हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पूरी रात इबादत करने का सवाब अता फ़रमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम ये रमज़ान हमारे लिए ऐसा गुजार दें हमसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमसे राज़ी हो जाए और हमें तमाम गुनाहों से हम माफ़ी मांग चुके हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।